ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने की थी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. देखो, व्हेन अ ब्लड वेसल इज कट, ब्लड एस्केप्स फ्रॉम इट, सून अ क्लॉट इज फॉर्मड ऑन द वाउंड एंड द फ्लो इज स्टॉप्ड. अ क्लॉट इज फॉर्मड. अ क्लॉट क्या करता है? क्लॉट ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है, ब्लड लॉस होने से बचा देता है. ब्लड क्लॉटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हाउ डज इट हैपन्स? जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ब्लड के अंदर, प्लेटलेट्स एंजाइम सेक्रीट करते हैं जहां पे चोट लगी है. सपोज करो किसी की आम पे चोट लगी है, तो वहां से जो ब्लड रिलीज हो रहा है, वहां के प्लेटलेट्स एंजाइम सेक्रीट करेंगे. वो एंजाइम है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा. फिब्रिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव कंपाउंड, एंड फिब्रिन इज एन एक्टिव कंपाउंड. फिब्रिन जो है, फिब्रिन ट्रैप करने के लायक होता है, जो ब्लड सेल्स को ट्रैप कर सकता है. फिब्रिन फॉर्म्स अ फाइन मेश इनटू व्हिच आरबीसीज गेट ट्रैप. अब फिब्रिन एक मेश लाइक नेटवर्क बना लेता है, जिसमें हमारे सारे आरबीसीज क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं. फिब्रिन फॉर्म्स अ मेश लाइक नेटवर्क. दिस मेश ट्रैप्स ऑल द RBCs, WBCs, etc. एंड क्लॉट फॉर्म होना शुरू हो जाता है. धीरे धीरे ये क्लॉट इतना ज्यादा हो जाता है कि इसमें से थोड़ा बहुत जो फ्लूइड है वो भी निकलना बंद हो जाता है. वरना आपने देखा होगा कभी जब किसी को चोट लगती है तो येलोइश फ्लूइड लीक आउट, ऊज आउट होता रहता है. दैट इज द प्लाज्मा. क्योंकि सेल्स तो सारे हमने कर लिए बंद, सिर्फ प्लाज्मा ही है जो निकल सकता है, वो निकलता रहता है अंटिल एंड अनलेस, जब तक हमारा क्लॉट या हमारी इंजरी अच्छे से हील नहीं हो जाती. अब हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. क्योंकि हार्ट, बेसिकली हार्ट ऑफ अदर एनिमल्स तो हमने पढ़ लिया था इन डिटेल, तो वो दोबारा रिवाइज करने की आई डोंट थिंक जरूरत है. अगर आपको रिवाइज करना है तो आप कल वाली वीडियो पे जाके रिवाइज कर सकते हैं. सी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक एक पार्ट में बनी चीज पूरे प्लांट में रिवॉल्व करती है, एंड थस इन दिस वे ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस. ट्रांसपोर्टेशन में टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू वर्क करते हैं. द फर्स्ट टाइप इज द जाइलम एंड नेक्स्ट टाइप इज द फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम, बेसिकली जाइलम, जाइलम से शुरू करते हैं. जाइलम कंडक्ट्स वाटर अपवर्ड्स इन प्लांट्स. एक ट्री है, आपको पता है जो ट्री होता है उसने अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर लेके जाना है, क्योंकि पानी हम कहा, पानी होता है प्रेजेंट सॉइल में, उसने पानी ऊपर वाली साइड लेके जाना होता है. पानी में मिक्स होते हैं मिनरल्स, इसलिए वाटर को ऊपर वाली साइड ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द स्टेम एंड हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट. जाइलम स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से प्लांट खड़ा हो सकता है स्ट्रेट. इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के सेंटर वाले पार्ट्स में जाइलम होता है. जाइलम मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रकीड्स एंड वेसल्स. ये करते हैं हम जाइलम के बारे में. सी, दिस इज द जाइलम, जाइलम पार्ट. यहाँ पे ट्रकीड्स एंड वेसल्स, एंड यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम ऑल द डायरेक्शंस में. फ्लोएम क्या होती है? फ्लोएम एक अनदर कंडक्टिव टिश्यू है. वो हर डायरेक्शन में सब्सटेंसेस को, फूड, बेसिकली फूड को लेके जाती है. अब फूड है, फूड बनता तो लीव्स में है. ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है. कभी स्टोरेज इन द स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में करना होता है, कभी फ्रूट में करना होता है, कभी रूट्स में करना होता है. तो इन दिस वे the xylem has to transport in all the phloem has to transport in all the directions. On the other hand, jo xylem hai wahan transportation unidirectional hoti hai upar wali side.
मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंटर्स, लेट अस सी, वाटर एंटर्स द रूट हियर थ्रू ऑस्मोसिस एंड मिनरल आयंस एंटर द रूट सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वाटर है जो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाता है एंड मिनरल आयंस एंटर द रूट सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मिनरल आयंस अंदर जाते हैं. Both water and minerals move in upward direction from cell to cell through cortex of roots by osmosis. Roots ke cortex, cortex ek part hota hai root ka. Ye aapne 9th class mein padha hoga anatomy mein. Cortex se root ke cortex se cell to cell osmosis ke through upper wali direction mein water ki transport hoti hai. From the cortex water and minerals are brought to the xylem. The sap which contains water and dissolved minerals move upwards from the root cell to the xylem and is upward movement ko hum kya bolte hain, ascent of sap. Ascent of sap kya hota hai, jo opposite to the gravitation water ki movement hoti hai xylem vessels ke andar, usko bolte hain ascent of sap. The xylem vessels of the root are in continuation with xylem vessels of the stem. ठीक है, roots and obviously roots and stem की xylem vessels joined है, इसीलिए movement possible हो पाती है. अब transpiration, transpiration का मतलब तो आपको पता है कि leaves से water का loss होना. transpiration होती है तो transpiration क्या करती है, एक pressure maintain करती है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है. it occurs in the openings called the stomata. water loss through evaporation lower the concentration of water inside the mesophyll cells. mesophyll cells kaun se hai, leaf ke cells. theek hai, due to this water enters the mesophyll cells from neighboring xylem vessels and a suction force is created. dekho hota kya hai basically ki upar wale cells kya ho rahe hain, khali ho rahe hain, to niche wala pani hai upar ja raha hai, apne aap hi upar jayega kyunki ek suction pressure lag raha hai bahar. just imagine ki jo sun hai वो सक कर रहा है पानी ड्यू टू द थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की हेल्प से सन सक कर रहा है पानी को, तो वो पानी कहां पे जा रहा है, आउटर एनवायरनमेंट में जा रहा है. इसी वजह से जो नीचे वाले सेल्स के पास पानी है वो ऊपर पहुंच रहा है एंड अल्टीमेटली रूट से पानी शूट तक ऊपर वाली साइड तक पहुंच रहा है. ट्रांसपीरेशन की हेल्प से, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वॉटर लॉस, इसकी वजह से पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है एंड ऑन द अदर हैंड ये प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. नाउ फ्लोएम, फ्लोएम कंडक्ट्स द मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो खाना लीव्स में बना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बना है, वो खाना जा रहा है टू द ऑल डायरेक्शंस. द फूड इन द फ्लोएम कैन मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस बाय डायरेक्शनल, या किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है. फ्लोएम में मेनली सीव ट्यूब्स सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं. सीव ट्यूब्स आर living cells of the phloem. They contain cytoplasm but no nucleus. sieve tubes, dekho xylem ke sare cells kya the, dead cells the. xylem thick tha jiski wajah se plant upright khada ho sakta tha, but on the other hand jo phloem hai, phloem mein living tissues hai sare. iske main jo cells hai they are the sieve tubes and companion cells. they all are the living cells of phloem. They contain cytoplasm but no nucleus. इनमें nucleus नहीं होता, cytoplasm होता है. cytoplasm होता है इसीलिए हम living cells बोलते हैं. And the walls of the cells form the sieve plates. देखो, ये sieve tube है. ये sieve tube का ये वाला part end है, ठीक है? Edge वाला part, इसको हम क्या बोल देते हैं? Sieve plates बोल देते हैं. Sieve plates में छन्नी की तरह बिल्कुल छोटे-छोटे holes होते हैं.
अगर पंजाबी में समझाऊं तो पानी की तरह, जिसे चाय को फिल्टर किया जाता है वो चाय वाली पानी की तरह इसमें होल्स होते हैं, ठीक है। सी प्लेट्स हैव स्मॉल पोर्स ऑन देम व्हिच अलाउज द फूड टू पास थ्रू द फ्लोएम, जिसकी वजह से फूड है जो फ्लोएम से पास कर सकता है। ईच सीव ट्यूब सेल हैज अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, एक सीव ट्यूब है उसके बाद क्या आएगा, एक कंपेनियन सेल आएगा। सीव ट्यूब का जो सेल है उसकी जो एज है उसको बोलते हैं सीव प्लेट, एंड हर एक सीव ट्यूब के बाद एक कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। The food is synthesized during photosynthesis is loaded into sieve tubes by utilizing ATP. जो ascent of sap है वो upward direction में हो रही है transpiration की वजह से। Transpiration में हमारा कोई energy loss नहीं हो रहा, कोई ATP loss नहीं हो रहा। But अब जैसे कि हम देखते हैं कि food का transport है अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, हर डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें एटीपी यूज होती है। दिस यूटिलाइजेस एटीपी। द प्रेजेंस ऑफ फूड इनसाइड द फ्लोएम डेवलप्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर, थस वाटर एंटर्स द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अब देखो फ्लोएम में फूड है, ठीक है। अगर फूड होगा तो वाटर भी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर, वाटर भी होना जरूरी होगा, तो वाटर को भी एंटर करना पड़ता है। वाटर कैसे एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डेवलप्स हाई प्रेशर इनसाइड द फ्लोएम व्हिच ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द फ्लोएम टू the plant parts where the concentration of food is less. This process is called translocation. Okay? Did you understand? Yes. Translocation hota hai जिस प्रोसेस से फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोइंग, एंड असेंट ऑफ सैप होता है द प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू जाइलम। इन स्प्रिंग द शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स। अब जब फ्लावर, स्प्रिंग की तो इन्होंने एग्जांपल दी है, जब फ्लावरिंग होनी है, फ्लावरिंग होने को भी एटीपी की जरूरत होती है, तो ये फूड स्टोर्ड है जहां पे, वो वाली एनर्जी जाके फ्लावर्स में या बर्ड्स में चली जाती है। बेसिकली शुगर स्टोर्ड की बात की है। आपको पता है कि फ्लावर्स होती है, हर फ्लावर की डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस क्यों होती है, नेक्टर भी होता है हर एक फ्लावर में, ठीक है। उस नेक्टर को हर इंसेक्ट खाता है। अब देयर मे बी फॉल स्मेल और देयर मे बी नो स्मेल और देयर मे बी अ स्वीट स्मेल, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो प्लांट एयर पॉलिनेटेड है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, या मतलब कि अच्छे इंसेक्ट्स आएंगे उस पे या बुरे इंसेक्ट्स आएंगे या बर्ड्स आएंगे या ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सक्रीशन।